आइए भक्तों, आज सुनते हैं सावन मास में नाग पंचमी के दिन शेष नाग और विष्णु भगवान की कहानी। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, शेष नाग भगवान की जय। शेष नाग और विष्णु भगवान की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है। यह कथा महाविष्णु पुराण, भागवत पुराण और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित है। काल चक्र वैदिक संसार चक्र में आदि में जब ब्रह्मा ने विश्व की रचना की तो उन्होंने एक विष्णु भक्त आदि शेष को उत्पन्न किया। आदि से एक विशाल भगवान शेष नाग के रूप में जाना जाता है। वह अनंत शक्ति और अद्वैत ब्रह्मा विष्णु का अवतार है। शेष नाग ब्रह्मा के साथ एक दिव्य विवाह संपन्न किया था और उसके बाद वह विष्णु के अवतार के रूप में पृथ्वी पर आया। उनके एक साथी अवतार राम और कृष्ण थे जिन्होंने पृथ्वी पर विभिन्न लीलाओं और कार्यों का आयोजन किया। एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हो रहा था तो शेष नाग भी मंथन में भाग लेने वाले में थे। मंथन के दौरान समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाली विभिन्न रत्नों में से एक ही दंत निकला। इस हाथी दंत को देवताओं और असुरों के संघर्ष के कारण लेने में विफलता हुई तो शेष नाग ने उसे अपने सर्वशक्तिमान शयन रूप विष्णु भगवान के ऊपर स्थान दिया। इसके पश्चात विष्णु ने हाथी दंत को ऐरावत नाम दिया और उसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। पद्मनाभ अवतार के समय जब ब्रह्मा की बहुताय से गलतियों के कारण पृथ्वी पर असुर बट गए तो विष्णु ने शेष नाग का एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान है उनका समर्थन। पद्मनाभ अवतार के समय जब ब्रह्मा की बहुताय से गलतियों के कारण पृथ्वी पर असुर बट गए तो विष्णु ने पद्मनाभ रूप धारण किया और उन्होंने देवताओं के साथ इस्तेमाल की अपूर्ण चक्र शुरू किया। इस युद्ध में शेष नाग ने संघर्ष में मदद की और ब्रह्मा द्वारा पदत अमृत के प्रयोग से असुरों का संहार किया। इस प्रकार शेष नाग विष्णु भगवान की आदि शक्ति सहायक और नितांत समर्थन है। उनका विष्णु भगवान के अवतारों के साथ गहरा संबंध है और वे ईश्वरीय नामों की एक महान प्रतीक है। यह कहानी हिंदू धर्म में अपार महत्व रखती है और शेष नाग को महाविष्णु के अवतार के साथ आदर्श का प्रतीक माना जाता है। आज सुनते हैं नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। जब नाग देव बने भाई तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के सात पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सब डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वह भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। यह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। अब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था,
तो यह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई और वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा सामान धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तू बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की आकार दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मोनियो एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्रियों को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से हार लाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, हे भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बना जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मनियो का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजा धृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मनियो का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मनियो का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रशंसा होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू अपने हार और इन चीजों सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेश प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसे सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो एक बार बोलिए, प्रेम से नाग देवता की जय, शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आरती नाग देवता की, आरती करो हरि हरि करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हरि की करो, नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की।
सर पर शीश का मुकुट सकारे, तारों की पायल झनकारे। सर पर शीश मुकुट सकारे, तारों की पायल झनकार। धरती अंबर डोले तांडव लीला, से नटवर की आरती करो, शंकर की आरती करो, हरि हरि करो। नटवर की भोले शंकर की आरती करो, शंकर की। कनिका हर पहने वाले, शंभु है जग के रखवाले। कनिका हर पहनने वाले, शंभु है जग के रखवाले। सकत चराचर जगनती की गुति पर विष धर के, सकत चराचर जग नीति की गुति पर शीश धर के। आरती करो शंकर जी की, आरती करो हरि हर करो। नटवर की भोले शंकर की आरती करो, शंकर की। महादेव जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। जय गंगाधर जय डमरूधर, जय गंगाधर जय डमरूधर। हृदय बुके देव मिटा दो तुम विपता, घर घर की आरती करो, हरि हर की करो। नटवर की भोले शंकर की आरती करो, शंकर की आरती करो, हरि हरि की करो। नटवर की भोले शंकर की आरती करो, शंकर की। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, नाग देवता की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय।